800 साल तक लुटेरा थे, तुम 800 साल लुटेरा की भूमिका में रहे, तुमने अर्जाव्रत को नहीं जाना है इतिहास। अगर तुम अपने वंशावली देखोगे तो कहीं न कहीं हमारे ही खून से पैदा लिया हुआ होगा। बेगूसराय में भी शाइन बाग बनाने की कोशिश की जा रही है। लसावा 4 लाख वोटों से टुकड़े टुकड़े गैंग को हराने का काम किया कि 1947 में बंटवारे हुए, धर्म के आधार पे बंटवारे हुए। हमारे जो हिंदू भाई थे, सिख भाई थे, अल्पसंख्यक भाई जो पाकिस्तान में थे, आज धार्मिक प्रताड़ना के कारण उन्हें हम भारत में सम्मान देने के लिए सीए लगाया। उसी पर मैं एक नारा लगाता हूँ, भारत बंसी तेरा मेरा रिश्ता क्या, जय श्री राम जय श्री राम। क्योंकि ये भारत बंसी है, अगर भारत बंसियों को चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे अफगानिस्तान में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, अगर भारत की मिट्टी उन्हें सम्मान नहीं देगा, वहां तो हमारी बहु बेटी सुरक्षित नहीं है। इसलिए मैं नारा लगाऊंगा, भारत वंशी तेरा मेरा रिश्ता क्या, जय श्री राम जय श्री राम। भारत वंशी तेरा मेरा रिश्ता क्या, जय श्री राम जय श्री राम। भारत वंशी तेरा मेरा रिश्ता क्या, जय श्री राम जय श्री राम। दो दिन पहले चैनलों पर चल रहा था, मेरे पूर्वजों ने 8 साल राज किया, ये भारत मेरा है। मैं उनको कहना चाहता हूँ, तुम 800 साल तक लुटेरा थे, तुम 800 साल लुटेरा की भूमिका में रहे, तुमने अर्जाव्रत को नहीं जाना है इतिहास। उस अर्जाव्रत 800 साल पहले क्या था, तुम लुटेरे थे, दूसरा लुटेरा अंग्रेज आया, एक लुटेरे पे दूसरा लुटेरा हावी हो, कोई गुंडा कोई लुटेरा कोई मवाली कहे कि मेरा राज था, ये संभव नहीं। हाँ, मैं चेताना चाहता हूं भारत वंशियों को, जब मुगल आए थे मुट्ठी भर मुगल, और वो मुगल मुट्ठी भर मुगल आज हमारी सीमा थी। अगर श्रीलंका से देखें, इंडोनेशिया कंबोडिया से देखते देखते अफगान बर्मा पाकिस्तान बांग्लादेश, ये हमारी सीमा थी। कुछ नौजवान पढ़े लिखे कहते हैं हमारी संस्कृति को कोई टिका नहीं सकता, मैं कहता हूं कि नहीं, हमारी संस्कृति को टिकाने का काम किया, तभी तो मुट्ठी भर मुगल आए और मुगल आकर के हम पर लूटने का काम किया। कारण था कुछ आलसी कुछ लालची और कुछ इनके कारण देश गुलाम हुआ, ये लुटेरों ने कहता है कि मेरे पूर्वजों ने। मैंने कहा तुम अपने वंशावली देखोगे तो कहीं न कहीं हमारे ही खून से पैदा लिया हुआ होगा। सनातन धर्म को चुनौती मत दो। और आज देश के अंदर शाहीन बाग जैसा कई शाहीन बाग है, मैं जहां से चुनाव जीत के आया हूं, मैं बिहार का रहने वाला, बेगूसराय में भी शाहीन बाग बनाने की कोशिश की जा रही है। टुकड़े टुकड़े गैंग से मैं नहीं चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ा बेगूसराय की आम जनता और 4.25 लाख वोटों से टुकड़े टुकड़े गैंग को हराने का काम किया
मेरे पास कोई पूंजी नहीं थी। जब हमारे प्रभारी कह रहे थे कि मनीष जी उम्मीदवार नहीं है, उम्मीदवार है भारत का सनातन, उम्मीदवार है भारत की संस्कृति, उम्मीदवार है भारत की पहचान। अगर ये उम्मीदवारी है तो हर एक व्यक्ति भारतवंशी आज दिल्ली कैंट का उम्मीदवार है, उम्मीदवार है। ये शाहीनबाग क्या है? लोगों ने कहा मोदी डरा रहा है। मोदी जी ने डराने का काम नहीं किया। दुनिया जानता है कि ये चुनाव, ये सीए नागरिकता देने का है। आपने हमारे पूर्व वक्ता से सुना, कह रहा है कि शाहीनबाग में मैं खड़ा हूं, मुझे 12% मिल जाए तो मैं सरकार बना लूंगा। विधानसभा को निकाला तो भारतवंशियों के मान सम्मान को सम्मान मिला। मैं इतना ही कह करके कहूंगा कि बुथ पर बिना किसी को कहे हुए, मुझे नहीं मालूम था कि मैं एक महीने तक बेगूसराय, मैं दूसरे कंस्टिट्यूएंसी से पिछले बार सांसद था। मुझे आदेश मिला, लोगों ने, मैंने चुनाव नहीं लड़ा, मेरी कोई पूंजी नहीं थी, कार्यकर्ता नहीं तो ये तिलक, नहीं तो ये शिखा, ये यही मेरी पूंजी थी। और चुनाव लड़ने का काम बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।